पाजी अमेरिका क्यों बैन किते अग्रेसिव भी नहीं है दैट्स क्या नाम इनका काका जसी जी काका जसी जी मैं अभी पढ़ रहा था शायद कोई नया कोई अपडेट आया है क्योंकि मैंने आज अपने फ्रेंड को बोला था कि मैं इसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर लाइव करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि लाइव आया कोई नया लेकिन मैं आपको पढ़कर एक बताना चाहता हूँ जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब का जो हुक्म आया है अनमोल सिंह धालीवाल जी इन्होंने कहा है कि इनके जो इन्होंने खुद नहीं कहा जो अखबारों का सर्वे है आई डोंट नो कि कितना सही है कितना गलत है जो अलग अलग ऐप्स में आप भी अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा अलग अलग कितने इनके पास कुछ पिछले चार महीनों में 384 शिकायतें दर्ज हुई हैं अलग अलग थानों में और पुलिस स्टेशन में ये नहीं उन्होंने कहा कि ये कौन कौन सी ब्रीड पर्टिकुलर इसमें है लेकिन क्या है कि ना कि पिटबुल का हमारे माइंड में एक इमेज बन चुका है कि हाँ ये मालिक को काट लेता है क्योंकि इसके इसके पहले कुछ ऐसे वीडियोस आए थे राइट अभी क्या है पिटबुल के साथ अमेरिकन बुली क्यों जोड़ा गया मेरे को एक आइडिया मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली नहीं लिखा हुआ है कि अमेरिकन बुली ने कितने के कितने को काटा या पिटबुल ने कितने को काटा या किसों ने कितने को काटा शायद वो कुछ दिन के बाद और अपडेट देंगे कि क्यों इन्होंने ऐसा स्टेप लिया लेकिन अमेरिकन बुली के ऊपर रियली आई एम शॉकिंग ऑल्सो क्योंकि मेरे पास खुद अमेरिकन बुली है राइट पर मैं जानता हूं कि वो मेरे बच्चे के साथ ऐसे ही उसके कान खींच लो घोड़ा बना लो वो उसके साथ चलता रहता है तो मैं बार बार ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक कह लो कि जो मेरे को लग रहा है कि लुक लाइट वो सेम दिखने के कारण क्या होता है कि लोगों को पास भी इंफॉर्मेशन की कमी आधी इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है जिस भी पर्सन ने शिकायत की है कि पिटबुल ने मेरे को काट लिया या अमेरिकन बुल ने काट लिया क्योंकि केस क्या होता है कि ये जो प्रोफेशनली लोग हैं ब्रीडर हैं भाई वो जानते हैं कि अमेरिकन बुली में कितने साइज होते हैं वो एक्स क्लासिक से लेकर स्टैंडर्ड पॉकेट माइक्रो अलग अलग साइज अवेलेबल राइट है इस तरह ही पिटबुल में भी चार पांच अलग अलग वराइटीज हैं राइट तो वहां पर क्या हो जाता है कि एक माइंड में पिक्चर बन जाती है कि जो डॉग बड़े हेड वाला है कान कटे हुए हैं और वो भाई बस वो पिटबुल है या मान लिया किसी ने मान लिया कि वो अमेरिकन बुली है तो उन्होंने फिर शिकायत में ऐसा हो गया होगा कि वो लिखा दिया होगा तभी उन्होंने कहा क्योंकि अभी तक कोई ये नहीं ना तो किसी ब्रीडर भाई ने कहा है कि मेरे बुली ने काटा क्योंकि मैं खुद किसी वीडियो कोई इंफॉर्मेशन की वेट कर रहा था कि इनके पास कोई इंटरव्यूज होता देखो कभी भी पिटबुल भी एक पग की तरह शांत फैमिली डॉग बनता है और पग भी पिटबुल की तरह काट लेता है डॉग को तो ये चीज कहाँ फर्क होती है एक डॉग का जो बिहेवियर क्यों चेंज होता है इसमें क्लाइमेट भी रोल प्ले कर सकता है डॉग का रख रखाव कैसा हो रहा है ये रोल प्ले कर सकता है डॉग इरिटेट क्यों है इसके बहुत सारे रीजन है वॉक नहीं करवाना उसकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है उतने उस हिसाब से उसको वॉक ना मिले ठंडी गर्मी का ना ख्याल रखा हो कभी कभी कोई ऐसे सिक भी होते हैं डॉग बीमार है बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसमें डॉग इरिटेट हो जाते हैं तो ये चीज थोड़ी सी हमारा निवेदन तो जरूर है मजिस्ट्रेट साहब से कि प्लीज आप एक बार पूर्ण विचार करें इस चीज के ऊपर कि क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और इसका फर्क संगरूर डिस्ट्रिक्ट में तो जो फर्क पड़ ही रहा है दूसरे जिलों में भी या जो सेल करने वाले हैं या जो खरीदने वाले हैं अमेरिकन बुली क्योंकि अमेरिकन बुली आप जानते हो बच्चों के साथ कितने उसके फोटो वीडियोस आते हैं बच्चे इसको ज्यादा लेना पसंद करते हैं आजकल ट्रेंडिंग में काफी चल रहा है तो उसके साथ उनका बिजनेस और भी जगह क्योंकि पूरे ऑल ओवर पंजाब में इसका फर्क आपको पड़ रहा है ऑलरेडी बहुत सारे हमारे फ्रेंड ब्रीडर चिंतित भाई हैं इस चीज के ऊपर कि वैसे चिंतित तो जिनके पास पाकिस्तानी बुली है बुली कुत्ता है पिटबुल है अमेरिकन सभी हैं लेकिन अमेरिकन बुली के जो मेरे को आज कॉल आए जिनके मेरे को मैसेज आए उसमें से मैं ये कहूंगा मेरे को कुल मिलाकर अगर मोटा मोटी पकड़ लो कुछ 60-70 बंदों के आज मैसेज कॉल आए तो उसमें से मोर देन 80% 85% कह लो वो अमेरिकन बुली ब्रीडर थे और बाकी कुछ परसेंट अलग थे तो मेरे को ये लगा कि एक बार जरूर क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज आपका लाइव शो है सर आप जरूर उनको रिक्वेस्ट करो कि एक बार पुनर्विचार करें जो अपने ऑर्डर दिए हैं और एक बार कोई मीटिंग फिक्स करें वो वहाँ के लोकल जो बड़े संगरूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को वहाँ जानता हूँ और काफ़ी लंबे समय से जो इन ब्रीडों में नहीं काम करते और ब्रीडों में काम करते हैं काफी लंबे समय से उनके यहाँ टच में लेकिन एक जो ब्रीडर होता है उसको नॉलेज होती ही है दूसरे ब्रीड के बारे में कि उसका वो कैसा है बहुत सारे ब्रीडों को नॉलेज होती है तो मेरे एक रिक्वेस्ट है
हो सकता है कि हमारी भोला शोला की टीम की तरफ से एक ऑनलाइन भी उनको एक हम रिक्वेस्ट लेटर सेंड करें कि एक मांग पत्र जैसे होता है वो दें ऑनलाइन कि आप प्लीज कृपया एक बार पुनर्विचार करें और नियरेस्ट आप ही के, हम मैंने कहता कि आप किसी और ब्रीडर के जाओ और किसी ग्रुप के साथ कभी भी समय मिले मीटिंग करो, लोकल ही उन लोगों के साथ जो है ग्रुप्स उनके साथ आप मीटिंग कीजिए, मिलिए, क्या चीज है इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे डॉग लवर कह लो उनके फर्क उनको ज्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही है कि ये एक्ट है और ये लोकहित में एक्ट है, राइट, सबसे बड़ी बात है ये लोकहित में एक्ट है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने ही शिकायतें की होंगी, राइट, तभी तो उन्होंने एक्शन लिया, तो वो शिकायतें किस ब्रीड की थी, कौन से लोग थे, ये लोकल, वो अगर वो लोकल पीपल्स बैठेंगे वहां पर जो उनके ब्रीडर भाई हैं या लोकल जो वहां का सिस्टम है जो उनके जो भी टीम है पूरी इन सब की, तो वो जरूर आपको आई एम श्योर दैट कि विद इन वन वीक आपको ऐसा जरूर कोई गुड न्यूज मिलेगा सर की तरफ से वहां संगरूर या उसके लोकल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं या उन्होंने जो आगे हुक्म दिए हैं वो जरूर आपको एक पॉजिटिव साइन मिलेगा। बट हाँ, मैं बार बार यही कहूंगा कि प्लीज जो मेरे ब्रीडर भाई हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि गाइडलाइंस क्या हैं, वो गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर कहीं से कोई कानून टूटेगा तो कानून तो तभी एक्शन में आएगा ना, कहीं से तो अगर कोई लो लॉफुल है या कहीं से कोई चीज खराब हो रही है। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।